दोस्तों आज हमारे पास है माइक्रोटेक का सिंगल बैटरी में सबसे हेवी इन्वर्टर 1750, जिसकी कैपेसिटी जो है 1500 भी है। इसकी हम लोग लोड की टेस्टिंग करेंगे बाय एनर्जी मीटर, और ये भी देखेंगे कि फुल लोड पे इसका वोल्टेज कितना ड्रॉप कर रहा है और विदाउट लोड जो है इसका वोल्टेज कितना रहता है, और इसकी लॉसेस को भी चेक करेंगे कि कितना परसेंट का लॉसेस हो रहा है इस इन्वर्टर के अंदर। लॉस वो है जिसका हम लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं, जो बैटरी के अंदर से इन्वर्टर के द्वारा लिया तो जाता है लेकिन उसको हम लोग कभी यूज नहीं कर पाते, उस पावर को जो ही है हम लोग लॉस बोलते हैं। तो इस इन्वर्टर में कितना लॉस होगा ये चीज हम लोग मेंशन करेंगे, और ये भी देखेंगे कि इन्वर्टर का वोल्टेज बिना लोड के इन्वर्टर का वोल्टेज जो होगा वो मैक्सिमम होगा और फुल लोड पे इन्वर्टर का आउटपुट वोल्टेज जो होगा मिनिमम होगा। तो देखते हैं दोस्तों आगे के वीडियो में। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग के सामने है माइक्रोटेक का 1750 12 वोल्ट DG, ये माइक्रोटेक हेवी ड्यूटी इन्वर्टर है। 1750 यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच है, और इसकी कैपेसिटी जो है बैक साइड में हम लोग देख लेते हैं। तो इन्वर्टर द्वारा जो क्लेम किया जाता है इसकी कैपेसिटी 1500 भी है, 1200 वाट जो है कंपनी क्लेम करती है, और डीसी बस बार रेटिंग 100 एम्पियर के अराउंड है, प्लस माइनस 3 एम्पियर जा सकता है। तो ये हम लोगों ने 1200 वाट इसका मैक्सिमम कैपेसिटी है। लास्ट हम लोग जो लुमिनस का 1650 देखे थे वो उसका 1260 मैक्सिमम कैपेसिटी। यहाँ पे हम लोग एक चीज देखेंगे, बैटरी का वोल्टेज, बैटरी का करंट और बैटरी पावर, आउटपुट पावर जो कि एनर्जी मीटर में आएगा, और दोनों का डिफरेंस, इस पावर और बैटरी का पावर दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा ये यहाँ पे मेंशन होगा, जो लॉस होगा वो निकाल कर यहाँ पे मेंशन किया जाएगा, और जो आउटपुट में वोल्टेज होगा जो एनर्जी मीटर में हम लोग को डिस्प्ले होगा वो एसी वोल्टेज, उसको हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं ऑन करके कि कितना वोल्टेज आउट कर रहा है, और एक नाटा ले लेते हैं। फिलहाल मैंने कोई लोड नहीं दिया है तो इन्वर्टर को मैं ऑन कर लेता हूँ। इन्वर्टर ऑन हो गया है और यहाँ पे 0 वाट का लोड है, आप देख पा रहे होंगे इसका वोल्टेज 249.2, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे वोल्टेज दिखा रहा है, ये 249.2 है। तो इसको हम लोग मेंशन कर लेते हैं, बैटरी का वोल्टेज देख लेते हैं 11.92, और डीसी करंट 3.4 के अराउंड है। अब क्या करते हैं दोस्तों, कुछ लोड को इंक्रीज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 505 वाट का लोड डाला है, यहाँ पे वोल्टेज आप देखिएगा ये 227 हो गया है। डीसी वोल्टेज देख लेते हैं 11.22, डीसी करंट 51.3, पावर को और इंक्रीज कर, तो मैंने यहाँ पे पावर बढ़ा लिया है। यहाँ पे ये 915 वाट का लोड ले रहा है और 201 वोल्ट है, 102 एम्पियर और डीसी वोल्ट पे 10.6। तो लोड के साथ दोस्तों हम लोगों ने दो डाटा ले लिया है, एक और लोड में बढ़ाकर देख लेते। तो लास्ट डाटा मैं ले लेता हूँ, 10.52 वोल्टेज जा रहा है, 1005 वाट का लोड है और ये 115 एम्पियर का करंट है, और हमारा वोल्टेज जो है 196 197। जैसा की आप लोग को बताया था की माइक्रोटेक 1750 की लोड टेस्टिंग करेंगे और उसका वोल्टेज का ड्रॉप भी देखेंगे और साथ ही साथ उसका लॉसेस भी देखेंगे। तो वो चीज मैंने किया, आप लोग के सामने ही किया, और जो डाटा निकल के आया आप लोग के सामने मैं रख रहा हूँ। जैसे कि बिना लोड के जब बैटरी का वोल्टेज 11.92 के अराउंड था तो उस टाइम इन्वर्टर का आउटपुट वोल्टेज 249 वोल्ट था, और बैटरी से जो पावर का कंजप्शन हो रहा था वो हो रहा था 40 वाट के अराउंड। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 40 वाट जो था बैटरी से कंजप्शन किया जा रहा था, बिना लोड के इन्वर्टर के अंदर 40 वाट की सप्लाई जा रही थी। उसके आगे हम लोग देखते हैं, मैंने अराउंड 505 वाट के लोड लगाया था तो इन्वर्टर में जो खपत हो रहा था 575 वाट के अराउंड जो टोटल खपत हो रही थी, यानी कि जो करंट लिया जा रहा था यहाँ पे आप बैटरी से जो करंट लिया जा रहा था 51 एम्पियर के अराउंड लिया जा रहा था। जो लॉसेस उस टाइम हम लोग को देखने को मिला 12% आप देख पा रहे होंगे, ये चार्ट है। वैसे ही फुल लोड पे जब हम लोग दिए थे तो बैटरी का वोल्टेज 10.52 आया था यहाँ पे है, और 115 एम्पियर के अराउंड जो है बैटरी से करंट लिया जा रहा था। तो टोटल वाटेज जो था 1200 के अराउंड था और लोड जो था हम लोग का 1000 वाट के अराउंड था। लॉसेस हम लोग का जो था 205 वाट के अराउंड निकल के आया, जो परसेंटेज में निकालने के बाद ये 17% के अराउंड ये निकल गया। और हम लोग का ये जो वोल्टेज देख रहे होंगे आप लोग, ये देखिए यहाँ बिना लोड के 249 वोल्ट है, फुल लोड पे 197 है। इन्वर्टर की टोटल एफिशिएंसी निकल के 83, जो कि देखा जाए तो बढ़िया है, और वोल्टेज का ड्रॉप देखा जाए इन्वर्टर का, क्योंकि 50 वोल्ट से भी ज्यादा इसका वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है लोड होने। वहीं पे बात करें लुमिनस की 1650 की, उसका भी चार्ट मेरे पास है। तो लुमिनस की 1650 की जो हम लोग टेस्टिंग किए थे उसका चार्ट यहाँ पे है। यहाँ पे हम लोग वोल्टेज को मेंशन नहीं किए थे उस टाइम में, अभी जैसे जैसे वीडियो में बनाते जा रहा हूँ कुछ ना कुछ मुझे सुधार करने की जरूरत पड़ते जा रही है, तो मैं सुधार करते जा रहा हूँ।
तो यहाँ पे वोल्टेज जो था मैंने मेंशन नहीं किया था, जो कि इस वीडियो में ये चीज मैंने मेंशन कर लिया है, जो कि वोल्टेज है। तो 1650 जो था फुल लोड पे 200 वोल्ट के अराउंड था, 200 वोल्ट से नीचे नहीं हुआ था, 200 वोल्ट था। और ये माइक्रोटेक का है डाटा जो कि 200 वोल्ट से नीचे चला गया है। तो इसे कुछ खास अंतर नहीं है, दोनों ही इन्वर्टर बेस्ड है, दोनों ही 1500 VA का इन्वर्टर है। देखा जाए तो दोनों में एक चीज आपको देखने को मिलेगा कि लुमिनस का 1650 जो है माइक्रोटेक के 1750 से ज्यादा लोड को चला पाया है। यहाँ पे देखिए ये 1293 है, यहाँ पे 1052 वाट का लोड है और यहाँ पे 1005 वाट का लोड है। लुमिनस जो है 1750 माइक्रोटेक से आगे निकल गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखने वाली बात है कि इन्वर्टर को मैं ओवरलोड तक नहीं ले गया था, मतलब जब ओवरलोड होने होने को था उससे पहले ही मैंने ये डाटा लेकर इसको क्लोज कर दिया। उसके बाद ये इन्वर्टर ओवरलोड होना ही था क्योंकि मैक्सिमम जो पावर था उसको हम लोग रीच कर चुके थे। आप लोग को ये वीडियो कैसा लग रहा है? अगर मैं लोड की टेस्टिंग कर रहा हूँ तो वो आप लोग को पसंद आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही इन्वर्टर बैटरी से रिलेटेड कोई जानकारी अगर मैं शेयर करूँ तो आप लोगों के पास उसका डिटेल्स जाए। तो धन्यवाद, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।